नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव प्रकाश सेंटर में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। आज का नया टॉपिक है फरवरी 2020 करेंट अफेयर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है जो 24-29 फरवरी 2020 तक वायुसेना स्टेशन हिंटन में आयोजित किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ICC U19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 3, नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सुषमा स्वराज भवन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी। इसमें से ऑप्शन नंबर फोर सही है, डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने महिलाओं को मुफ्त में स्टेशनरी उत्पाद देने की मंजूरी दे दी है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में जावेद अशरफ को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही, ए सही है, सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 40वां। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रिस्टीना कोच। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता गिरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, भारत और किस देश के बीच 13-26 फरवरी तक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिटेन। 12th क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, 27 फरवरी। 13th क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल खिताब कौन जीती है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, सूफिया केनिन। 14th क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हिंदुस्तान एरोनाइटिक्स लिमिटेड का CIO नियुक्त किया गया। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, अमिताभ भट्ट। 14th क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कच्चा इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है। ऑप्शन नंबर ए, भारत। 16th क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अर्द्ध भूमि दिवस कब मनाया जाता है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 फरवरी। 17th क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, मारिया शरपोवा। 18 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अबिदाली नीम चावल ने किस कंपनी से CIO के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसमें से ऑप्शन नंबर 4D सही है, विप्रो। 19 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अजय बिसारिये को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कनाडा। 20 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिन नामक पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, के रामकृष्ण राव। 21 क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, नोवक जोकोविच। 22 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कोरोना वायरस को कौन सा नया नाम दिया है? ऑप्शन नंबर ए COVID-19। 23 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, मालदीवा। 24 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र दिया है? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, जयपुर। 25 क्वेश्चन देखते हैं। IBM कंपनी के नए CIO कौन बने हैं? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, अरविंद कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।